हमारे भारत देश में बहुत सारा जुल्म हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उसमें एक संकट मोचन महादेव मंदिर भी है जो कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में अजमेर जो दरगाह है उसको लेके एक बात दायर किया है। उस बात में हमने साफ लिखा है कि जो अजमेर दरगाह है वो महादेव का मंदिर है, वो महादेव का मंदिर है, और वो मंदिर को तोड़ के, हिंदू मंदिर को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के वहाँ पे चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। और जैसा कि सभी को मालूम है, ख्वाजा जो चिश्ती हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और उन्होंने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी, और बाद में एंड में आके धोखे से उनकी हत्या भी कर दी। उनके साथ थे, उनके सलाहकार थे, उनके इशारे पर हमारे भारत देश में बहुत सारा जुल्म हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उसमें एक संकट मोचन महादेव मंदिर भी है जो कि उनके जो आज्ञाकारी शिष्य रहे उन्होंने तोड़ा, और बाद में जब चिश्ती की मौत होगी उसके बाद उसी मंदिर को तोड़कर जो नीचे तहखाना है, जो गर्भगृह है, उसमें उनकी कब्र बना दी। हमने बहुत सारे साक्ष्य कोर्ट को दिए हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है हर विलास सारदा, जो कि अजमेर के म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर रहे चीफ, और बाद में अजमेर कोर्ट के सेशन जज भी रहे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक में बहुत सारे विस्तार से बताया है कि अजमेर जो दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए स्ट्रक्चर से बना है। जैसा कि अंदर जाओगे, जो जिसको दरवाज़ा बताया जा रहा, बुलंद दरवाज़ा बताया जा रहा, उसके आप देखोगे, जांच होगी, सर्वे होगा, तो सब कुछ सामने आएगा वो कि हिंदू मंदिर के ही स्ट्रक्चर हैं, अवशेष हैं, जिससे तोड़ के वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। और साथ ही साथ हमने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करके हमने पाया कि भाई जितने भी पहले बादशाह थे, जितने मुग़ल थे, उन्होंने जो वो कोई भी काम करते थे वो काम अपना जो उनका नामा था, शाहजहाँ नामा था उसमें लिखते थे, साथ में अकबर नामा था उसमें लिखते थे। उनकी जीवनी में कहीं से भी अकबर नामे में ये नहीं लिखा है कि अकबर अजमेर आए और अजमेर में उन्होंने कुछ जो दरगाह है उसमें कुछ काम किया। शाहजहाँ के भी जो शाहजहाँ नामा है उसमें भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि शाहजहाँ ने भी कुछ वहाँ काम कराया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब झूठी हैं, और जो बुलंद दरवाज़ा है उसके खंभे हैं आप देखोगे तो उसमें पहली नज़र में पता चलेगा कि वो हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। और साथ में जो नीचे तहखाना है, तहखाने में शिवलिंग होता था, जो कि जब जाँच होगी तो बहुत सारे सब कुछ सामने आएगा। और आपको ये भी बहुत पता होगा कि अजमेर में जो दरगाह में नीचे जहाँ शिव मंदिर होने का हम दावा कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत समय तक एक ब्राह्मण फैमिली पूजा पाठ भी करती रही है, ऐसा बहुत सारे ऐसा जिक्र उस बुक में भी है। तो सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अब हम देखते हैं हमारी सुनवाई लेंच से पहले होगी या लेंच के बाद होगी, जो भी होगी वो सब आपके सामने होगा। खारिज ऐसा है, खारिज ऐसे नहीं होते, सिविल कोर्ट के जो लोग जानते हैं, खारिज होने का आधार नहीं होता सिविल कोर्ट, ये सिविल बात है, आपराधिक मामला नहीं है। सिविल बाद में कुछ कमी बताएंगे तो हम उस कमी को हम पूरी करेंगे, बाद ऐसे खारिज नहीं होते सिविल। मथुरा और काशी का भी केस हम लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, भोजशाला जो मध्य प्रदेश में भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर भोजशाला का भी सर्वे हो रहा है। हमने जो ये पटीशन फाइल की है उसमें डिक्लेरेशन का केस फाइल किया है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, नंबर वन। और नंबर दूसरी हमारी मांग है कि वहाँ पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। नंबर तीन, वहाँ पर ASI का सर्वे हो जिससे कि सारी तस्वीर सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसे जो बुक है वो बुक अपने आप में बहुत बड़े तत्व हैं, क्योंकि वो कोई साधारण आदमी की किताब नहीं है, 1911 की बुक है, जो कि यहाँ के मौजूदा लोकल निवासी है हर विलास सारदा जी, जिसे यहाँ के काफ़ी लोग जानते होंगे, वो यहाँ जज भी रहे। उन्होंने यदि कुछ जिस समय वो लोग कमिश्नर रहे, जज रहे, तो उस समय उनका जाना भी जाना आना रहा होगा दरगाह में, देखा उन्होंने पाया, तो मैं मान सकता हूँ उनकी बात को गंभीरता से कोर्ट को लेना चाहिए। और सर्वे कराने में तो कोई, मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सर्वे से कोई हिंसा नहीं फैलती, कोई कुछ नहीं होता। ज्ञान बापी में भी सर्वे हुआ है, अब जल्दी मथुरा वाले में भी होगा, और धार जो भोजशाला है मध्य प्रदेश में उसमें भी सर्वे हो रहा है। तो सर्वे से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास मुग़ल
मुगलों का इतिहास भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर कितना अत्याचार किया, मठ मंदिर तोड़ के मस्जिदें खड़ी कर दी। ये इतिहास कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन जैसा उस समय मुगलों ने किया हम उस चीज़ में विश्वास नहीं रखते, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम शांति में विश्वास रखते, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा है, ढूंढते ढूंढते जब रिसर्च हुआ तो ढूंढते ढूंढते ये किताब भी सामने आई, क्योंकि बहुत कुछ इस मंदिर के संकट मोचन मंदिर के बारे में नहीं इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन उस बुक में इतना मटेरियल है कि सर्वे किया जा सकता है। जब सर्वे होगा तो सामने। अजमेर की तारा दरगाह के पास एक ढाई दिन का झोपड़ा है, उसके लिए भी वो विद्यालय है, मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी जगह, उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य हैं। जल्दी उस पर भी केस फाइल होगा, डिक्लेयर होगा, उस पर भी करेंगे। आप ही करोगे? हाँ करेंगे, उस पर भी जल्दी करेंगे। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। केस हमारे दिल्ली से वकील आए शशि रंजन सिंह और लोकल वकील हमारे जयेश राणा।